हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार। झारखंड बचने वाले हैं 9 और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बड़ा हादसा हुआ है, ये बेहद दुखद खबर है। भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHC बांगरमऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले में 7 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं, 6 लोग शिवहर और 1 व्यक्ति सिवान का रहने वाला था। 4 और लोगों की पहचान की जा रही है। उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाना इलाके में घटना हुई। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 5:15 बजे के करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, तभी अचानक बता दें आपको कि पीछे से दूध से भरे टैंकर में टक्कर हुई, जिसमें आपको बता दें कि 18 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर उन्नाव की पुलिस अधीक्षक, बांगरमऊ के क्षेत्राधिकारी और अन्य थानों की पुलिस टीम मौजूद है। ये कुछ तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस घटना स्थल की, जहां पर बस हादसे की शिकार हुई। बता दें आपको कि ये टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बस का एक हिस्सा पूरी तरीके से बाहर गिर गया और वहां पर बैठे जो यात्री थे वो सीधा जो यात्री बैठे हुए थे वो सीधे सड़क पर आ गिरे और 18 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 7 लोग जो है वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये इस खबर के बारे में अधिकारियों को सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, देखिए एक बड़ी घटना हुई, बेहद दुखद, 18 लोगों की मौत की खबर है, अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? अनुज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये उन्नाव के बेटा मुजावर थाना क्षेत्र में जो हादसा हुआ है, इसके बाद घायलों का उन्नाव जिला अस्पताल आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो अब तक 10 से ज्यादा घायल यहां पर आ चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यहां पर DM गौरांग राठी, SP और पोस्ट मौजूद है। लगातार स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनका त्वरित इलाज है, लेकिन जो हादसे के बाद जो घायलों की तस्वीर आई है वो डरावनी है, क्योंकि किसी का हाथ कटा है तो किसी के पैर में एक्सीडेंट की वजह से उनका घायल हुए, बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है घायलों की। जो यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर हादसे में के बाद जो अब जो जिला अस्पताल है वहां पर लगातार चीख पुकार मची हुई है और जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। अब तक 18 लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। वहीं जो हादसे की वजह ड्राइवर जो था बस का, उसकी लापरवाही बताई जा रही है। जी तो अनुज, ये जो टक्कर हुई है ओवरटेक की वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है, तो क्या जो दूध कंटेनर वाला था उसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी बस को? जी देखिए, जैसा कि अभी प्रथम दृष्टि सामने आए हैं कि जो बस थी जो दिल्ली बिहार से सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए जा रही थी, उस बस ने ओवरटेक कंटेनर को करने की कोशिश करी थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो अनुज, अभी जो जितने लोग घायल हैं उनको कहां पर इलाज कराने के लिए भर्ती कराया गया है? फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, बहुत ही गंभीर हालत में यहां पे पेशेंट आए हैं, तो संभवतः प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें यहां से कानपुर या लखनऊ की तरफ रेफर किया जा सकता है। अनुज, और कितने लोगों की मौत हो गई है और उसमें बिहार के कितने लोग हैं? जी अभी देखिए, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 3 से ज्यादा बिहार के लोग हैं, लेकिन अभी पूरी संख्या स्पष्ट बताना जल्दबाजी होगी कि कितने बिहार के थे, लेकिन ज्यादातर जो मृतक हैं वो बिहार के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो कुल अभी कितने लोगों की मौत की खबर है, 18 लोगों की या उससे ज्यादा? 18 लोगों की मौत की खबर है, 19 लोग हादसे में घायल है। ठीक है अनुज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, उन्नाव बस हादसा, ये
बेहद दुखद खबर। आज सुबह की यह घटना है। लगभग सुबह 5:15 बजे के करीब बस की टक्कर होती है एक दूध के कंटेनर से, और इस भीषण टक्कर में 18 से 19 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि कई लोग घायल हो गए हैं इस घटना में। लगभग 30 से ज्यादा यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। बिहार के 7 लोगों की मौत की खबर हमारे पास है। मरने वालों में शिवहर के 6 लोग बताए जा रहे हैं, और आपको बता दें एक जो व्यक्ति था वो सिवान का रहने वाला बताया जा रहा था। तो टोटल अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है बिहार के 7 लोगों की मौत की खबर है। 4 अज्ञात लोगों की मौत हुई है जिसकी फिलहाल अभी पुष्टि नहीं की गई है, नाम अभी नहीं बताया गया है। लेकिन खबर यही मिल रही है कि देखिए शिवहर के बिट्टू की मौत हो गई है। शिवहर के 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। शिवहर के लाल बाबू की भी मौत की खबर है, और आपको ये भी बता दें कि शिवहर के ही राम प्रवेश की भी मौत की खबर सामने आ रही है। तो 7 में से 6 लोग शिवहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शिवहर के भरत भूषण की भी मौत की खबर है। ये बेहद दुखद खबर सुबह सुबह आई है। शिवहर के बाबू दास की भी मौत हो गई है। बता दें आपको शिवहर के ही रहने वाले हैं मोहम्मद सद्दाम, उनकी भी मौत हो गई है आज सुबह के इस बस हादसे में। और आपको बता दें कि सिवान के रजनीश कुमार की मौत हो गई है। तो देखिए उन्नाव हादसे में बिहार के 7 लोगों की मौत की खबर है, और मरने वालों में 5 लोग जो है मोतिहारी के निवासी फैनहारा के वार्ड नंबर 11 के सभी लोग थे, एक ही परिवार के रहने वाले थे 5। बस से दिल्ली जा रहे थे सभी लोग। बता दें आपको ये बेहद दुखद खबर, उन्नाव बस हादसे में बिहार के 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 5 लोग जो है मोतिहारी के निवासी फिनहारा के वार्ड नंबर 11 के सभी लोग थे, और एक ही परिवार के 5 लोग जो है बस से दिल्ली जा रहे थे। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश देखिए जो उन्नाव बस हादसा हुआ है उसमें 7 लोगों की मौत की खबर है जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और उसमें से भी ये खबर है कि 5 लोग मोतिहारी के निवासी थे, क्या जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए उन्नाव बस हादसे में 5 लोगों की, पूर्वी चंपारण के 5 लोगों की मौत की जो है वो सूचना मिल रही है। देखिए स्थानीय स्तर पे जो है जो प्रमुख है फिनहारा प्रखंड के, उन्होंने पुष्टि की है कि वार्ड नंबर 11 जो फिनहारा में पड़ता है वहाँ के 5 लोग एक ही परिवार के थे। कुल 8 लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन 5 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो फिनहारा के प्रमुख ने की है, और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो फिनहारा के जो प्रमुख है उन्होंने जानकारी दी है, टेलीफोनिक जानकारी दी है कि आप 5 लोगों की मौत जो है वो फिनहारा की हुई है। ये दुखद घटना है, उन्नाव बस हादसे में काफी लोगों की मौत हुई है, और ऐसी स्थिति में पूर्वी चंपारण जिले के फिनहारा प्रखंड के वार्ड नंबर 11 के 5 लोगों की मौत जो है इस दुखद घटना में हुई है। अवनीश क्या परिवार के 8 लोग थे जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए फिनहारा का जो प्रमुख है इसालू हक साहब, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि 8 लोग यात्रा कर रहे थे, एक ही परिवार के 8 लोग थे जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनके परिवार के और जो लोग थे वो लखनऊ वो निकल गए हैं, जो बस हादसा जहां हुआ है वहां से उनको जानकारी मिली, और वो तमाम लोग परिवार के लोग जो है सुबह ही जो है घर से निकल गए हैं, और स्थानीय जो लोग हैं वो वहां पहुंचे, उनके घर के पास पहुंचे हैं। चारों तरफ चित्कार का माहौल है, सभी लोग रो रहे हैं, और खासतौर पर एक ही परिवार के 5 लोगों के इस दुखद घटना में मौत हो जाना ये बड़ा दुखद घटना है। 3 लोग गंभीर रूप से वो भी घायल हैं। तो जो पुष्टि है वो फिनहारा का जो प्रमुख है उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि 8 लोग यात्रा कर रहे थे जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। तो बाकी के जो लोग घायल है उनको कहां भर्ती कराया गया इलाज के लिए अवनीश? देखिए जहां हादसा हुआ है वहीं स्थानीय स्तर पर उनका इलाज कराया जा रहा है, और वहीं से जानकारी मिली थी यहाँ पे फिनहारा में कि 5 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को लोगों को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद घर के लोग यहाँ से वहाँ निकले हैं, घायलों को देखने के लिए भी निकले हैं, और जिनकी मौत हुई है वहाँ भी पता लगाने के लिए निकले हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि फिनहारा के जो प्रमुख हैं उन्होंने इसकी बात की पुष्टि जरूर की है कि 5 लोगों की एक ही परिवार के वार्ड नंबर 11 फिनहारा जो प्रखंड मुख्यालय है उसका ठीक पीछे जो है वो वार्ड है, और उसी वार्ड के एक ही परिवार के 8 लोग यात्रा कर रहे थे जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत हुई है, और 3 जो गंभीर रूप से घायल है उनका जहां पे घटना हुआ है उसके अगल बगल में ही अस्पताल है वहां पे उनका इलाज कराया। अवनीश देखिए 7 लोगों की ऐसी खबर है कि बिहार के रहने वाले हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनमें से 5 तो एक ही परिवार के निकले, बाकी के जो 2 लोग हैं क्या उनके परिवार वालों को सूचित किया गया है? नहीं बिल्कुल, आपने सही कहा कि 7 लोगों की पुष्टि जरूर अभी हुई है, लेकिन 5 लोग एक ही परिवार के जो पूर्वी चंपारण के जो है वो है फिनहारा के हैं,
दो लोग जो हैं उनको उनके बारे में भी जानकारी जुटाया जा रहा है। एक जो जानकारी मिली है कि सीवान के एक व्यक्ति हैं और एक और व्यक्ति की जो मौत हुई है वो कहाँ के, उसकी भी जानकारी प्रशासन जरूर जुटा रहा है। लेकिन पूर्वी चंपारण के फेनहारा प्रखंड के एक ही परिवार के अवनीश, तो जो पांच लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले कब निकले हैं वहां से, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, कब तक पहुंचेंगे? उनको सुबह में ही जो उनको जानकारी मिली इस बात की कि बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ से पूरे परिवार के लोग गाड़ी पर सवार होकर जो है जो घटनास्थल है जहाँ पे बड़ा हादसा हुआ है वहाँ तमाम परिवार के लोग निकले हैं। लेकिन स्थानीय जो नेता हैं या स्थानीय लोग हैं वो जरूर उनके घर के पास पहुँचे हैं, खबर ले रहे हैं और वहाँ के जो प्रमुख हैं फेनहारा के प्रखंड के प्रमुख हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हुई है। उनके परिवार के जो लोग हैं, जो बाकी बचे लोग हैं, वे लोग घटनास्थल पर निकल गए हैं और हमें जानकारी जो मिल रही है कि लगभग 2-3 बजे के करीब में वो यहाँ वहाँ पे घटनास्थल पर। ठीक है, ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए उन्नाव बस हादसा बेहद दुखद सुबह की घटना है ये। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी बस। बताते चले आपको कि मरने वालों में पांच लोग जो है मोतिहारी के थे और वो भी एक ही परिवार के। बता दें आपको नमस्ते बिहार है बस का नाम जो कि दुर्घटना ग्रस्त हुआ। और आपको बताते चलें कि पांच लोग जो है वो एक ही परिवार के रहने वाले थे मोतिहारी के। हालांकि वो आठ लोग ऐसे थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे लेकिन उनमें से पांच लोगों की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। नमस्ते बिहार है बस का नाम। और आपको बताते चलें कि बस का नंबर देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, UP95T4720 है ये बस का नंबर आपको बता रहे हैं। सीतामढ़ी से दिल्ली की ओर ये बस जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई सुबह। मरने वालों में पांच लोग मोतिहारी के थे। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राकेश रंजन शिवहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है, अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं और शिवहर के कितने लोग रहने वाले हैं? जी, इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यह बस सीतामढ़ी से नहीं जा रही थी, यह बस शिवहर से दिल्ली के लिए जा रही थी और इसमें जो मृतक है वो शिवहर और सीतामढ़ी मोतिहारी के शामिल है। और यह दुखद घटना कहा जा सकता है क्योंकि यह पहली बस हादसा नहीं है जो यूपी में हुआ है और सीतामढ़ी और शिवहर से यह बस सब खुलती है और टूरिस्ट परमिट के आधार पर इस बसों का परिचालन किया जाता है। किसी भी तरीके की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है और टूरिस्ट परमिट के नाम पर यह बसों को लंबे अरसे से सीतामढ़ी शिवहर और जो आसपास के जो इलाके हैं वहां से यह बस दिल्ली के लिए खुलती है। और कई हादसा हुआ है इससे पहले भी, यूपी में ही बस आग के हवाले हो गई थी और जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, तो यह पहला घटना नहीं है। शिवहर से यह बस खुली हुई थी, नमस्ते बिहार बस का नाम है और यह बस शिवहर के ही सिद्धनारायण सिंह नाम के शख्स का बस है जो बस दिल्ली जा रही थी और अचानक यह हादसा का शिकार हो गई और इसमें कुल 18 लोगों की मौत हो गई है। मृतक जो है वो सभी शिवहर और मोतिहारी जिले के लोग हैं और अभी तक जो प्रशासनिक स्तर पर शिवहर जो प्रशासन के लोग हैं इस मामले में किसी तरीके की कोई जानकारी देने में खुद को असमर्थ बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी तरीके की जानकारी उनके पास नहीं है। तो अभी तक के कुछ जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले को लेकर किसी भी तरीके का कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जी तो राकेश, आप बता रहे हैं कि शिवहर से ये बस जा रही थी दिल्ली की ओर। जी, और कितने लोग थे शिवहर के उस बस में? अभी तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जिसमें मोतिहारी और शिवहर जिले के लोग शामिल है। जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी तरीके का कोई बयान जारी नहीं किया गया है, मृतकों की सूची नहीं जारी की गई है। तो अभी यह कहना संभव नहीं है कि कितने लोग उसमें शिवहर जिले के थे और कितने लोग मोतिहारी के थे, लेकिन कुल 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और दुखद हादसा इसे कहा जा सकता है। सुबह सवेरे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जी ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए सुबह सुबह ही एक बेहद दुखद खबर सामने आई, यूपी के उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें कि एक बस जो कि शिवहर से दिल्ली की ओर जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और आपको बताते चलें कि देखिए जो 7 लोग हैं बिहार के लोग जिनकी मौत की खबर है, बिट्टू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है, शिवहर के रहने वाले,
शिवहर के लाल बाबू नाम के व्यक्ति है जिनकी मौत हो गई। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि शिवहर के ही राम प्रवेश की भी मौत की खबर सामने आ रही है। ये नाम हमारे पास है न्यूज 18 के पास, शिवहर के भरत भूषण की भी मौत की खबर सामने आई है जो कि शिवहर के रहने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि साथ ही साथ बाबू दास नाम के व्यक्ति की मौत हो गई जो कि शिवहर के रहने वाले थे। और ये भी आपको बता दें कि शिवहर के ही मोहम्मद सद्दाम की भी मौत हो गई है इस सड़क हादसे में। और सिवान के रजनीश की मौत की खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल ये वो सात नाम हैं जिनके नाम जो है वो सामने आए हैं। मरने वालों में शिवहर के जो लोग हैं वो 6 लोग हैं और एक सिवान का व्यक्ति है जिसकी मौत हो गई है। तो इस सड़क हादसे में इन सात लोग की जान गई है जो कि बिहार के रहने वाले थे। हालांकि 4 अज्ञात लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। तो देखिए आपको बता दें कि ये जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, नमस्ते बिहार उसका नाम बताया जा रहा था। देखिए उन्नाव बस हादसे को लेकर के एक बड़ा अपडेट भी सामने आया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लिया, उन्नाव में सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तत्काल मौके पर अफसर पहुंचे, निर्देश दिया गया और सीएम ने घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं कि तत्काल सभी जो घायल हैं उनका इलाज कराया जाए। अफसर मौके पर तुरंत पहुंचे और जो भी घायल हैं उनका तुरंत से तुरंत इलाज कराया जाए। तो इस मामले पर तुरंत ही संज्ञान लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत ही अफसरों को निर्देश दे दिया कि जो लोग घायल हैं उनका तुरंत इलाज कराया जाए। तत्काल मौके पर अफसरों को पहुंचने का निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। और ये जो हादसा सुबह सुबह की बताई जा रही है, ये सुबह की घटना लगभग 5:15 बजे के करीब अधिकारियों के द्वारा ही बताया गया। ये घटना उन्नाव में हुई, भीषण सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई। और आपको बता दें कि काफी लोग इसमें घायल हुए हैं, लगभग 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। आइए अब बात करेंगे रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर। देखिए रुपौली उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, 321 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच ही मुख्य रूप से मुकाबला है। हालांकि बता दें आपको कि जेडीयू से उम्मीदवार हैं कलाधर मंडल, आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती हैं। तो मुख्य तौर पर इस मुकाबला जो है वो इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन है, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बीमा भारती हैं, तो दूसरी तरफ वह एनडीए गठबंधन की तरफ से कलाधर मंडल है। इन दोनों के बीच में ही मुख्य तौर पर मुकाबला है। आपको बताते चलें कि आरजेडी की बीमा भारती वर्सेस जेडीयू की कलाधर मंडल है। हालांकि 11 प्रत्याशी इस बार रुपौली विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमित, देखिए सुबह से ही वोटिंग जारी है, कितने परसेंट फिलहाल वोटिंग हो चुकी है रुपौली विधानसभा चुनाव के लिए और क्या लग रहा है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वोटर्स में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि वोटर में बेहद उत्साह है और मौसम भी जो है वो बिल्कुल साथ वोटरों को दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि महिला हो या पुरुष सभी कतारबद्ध होकर के शांति तरीके से अपने वोट करने के वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एक एक वोटर को आगे ले जाया जा रहा है और फिर उन्हें वोट कराने के लिए जो अंदर कमरे में भेजा जा रहा है। और महिला हैं वो भी सारे काम को छोड़ करके यहाँ पहुंची हैं, पुरुष भी जो है वो सारे कामकाज को अभी छोड़ करके यहाँ हैं, बुजुर्ग हो युवा हो सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वोट प्रतिशत की जो आपने बात की, तो वोट प्रतिशत थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो बेहद शांतिपूर्ण व्यवस्था में यहाँ पे आज मतदान हो रहा है। उपचुनाव है, 5 साल के अंदर ये दूसरा बार जो है रुपौली विधानसभा के जो वोटर हैं उन्हें मत का इस्तेमाल करने की अधिकार मिला है और मौका मिला है। और इसमें जो वोटर हैं वो बेहद उत्साहित हैं, वोट करने आए हैं। हाँ सर। किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहा हूँ? विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दा पर वोट कर रहा हूँ। की मुद्दा पर वोट कर रहा हूँ? विकास के लिए, विकास से खातिर बताऊँ, विकास के लिए। नौकरी? नौकरी और विकास दोनों। नौकरी और विकास दोनों। बाबा कितना उम्र हो ले? हमारे 85 वर्ष। 85? 85 साल। हाँ तो इंतजार करते हूँ वोट कर खातिर। हाँ कौन मुद्दा पर वोट कर रहा हूँ?
विकास पे। चलिए देखिए, महिलाएं भी जो है वो भी दूर दूसरे लाइन में है, कतारबद्ध होकर के खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बीमा भारती और कलाधर मंडल जो है इनके बीच में टक्कर है, और सीधे तौर पे कौन यहां से अगला प्रतिनिधित्व करेगा रुपौली विधानसभा का, इसका आज फैसला यहां पे ये मतदाता जो है वो करेंगे। सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरे तौर पे तटस्थ है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जो मानक है उसका पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, और उसके तहत ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो है लोगों को कतारबद्ध कराया गया है, और कतारबद्ध करा करके यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए जो है वो इन वोटरों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज जो है रुपौली के लिए आज का दिन जो है वो बेहद खास बड़ा दिन है। अमित, जहाँ पर आप खड़े हैं और जो लाइन को हम देख पा रहे हैं उसमें बुजुर्ग मतदाता काफी सारे दिख रहे हैं, तो क्या बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वहां पर अलग से लाइन की व्यवस्था नहीं की गई है? फिर से चुनाव मैदान में आई है, लोकसभा का चुनाव जब हुआ था तो उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायक थी वो, और उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी बदला, पाला बदला, जेडीयू से वो आरजेडी में गई, आरजेडी के टिकट पे उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और अब चूंकि एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में उतरी है तो ऐसे में ये देखना है कि यहाँ के जो वोटर हैं वो उन पर भरोसा जताते हैं, या फिर जो कलाधर मंडल है, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, उन पर विश्वास जताते हैं। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। अमित, रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। वोटिंग वोटर जो हैं वो अपने सारे काम छोड़कर सुबह से ही वोटिंग सेंटर पर पहुंचकर वोट कर रहे हैं। रुपौली प्रखंड के तिलडीहा में लोग पहले मतदान फिर जलपान के तहत वोट कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। में आज उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, मतदान पदाधिकारी हैं, सभी जो है व्यवस्थित तरीके से मतदान करवा रहे हैं। और इस लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता हैं, जो जनता मालिक कहे जाते हैं, वो अपने सारे काम काज छोड़ कर के यहाँ मतदान करने आए हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में चाहे महिला हो या पुरुष वोटर जो हैं वो कतारबद्ध होकर के अपने मतदान की समय का इंतजार कर रहे हैं कि एक एक कड़ी आगे बढ़ रही है, कदम से कदम जो मतदाता है वो आगे लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से सहयोग वोट कास्ट करने आए हैं, मतदान करने आए हैं। जी, व्यवस्था ठीक है? ठीक है सर, सब शांति व्यवस्था चल रही है। किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? विकास चाहिए, रोजगार, विकास चाहिए, विकास के लिए। वोटर वैसे तो खुलकर करके बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में सिर्फ इतना ही कह रहे हैं वोटर कि हमें विकास चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन हमें हमारा प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो इस इलाके का विकास कर सके और इस इलाके में नौकरी और रोजगार ला सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 तेलडीहा रुपौली। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस हादसे में 18 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 बिहार के निवासी, शिवहर से दिल्ली जा रही थी बस। रुपौली उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। जेडीयू के कलाधर मंडल और आरजेडी की बीमा भारती के बीच है कड़ा मुकाबला। अब दीघा से कंगन घाट तक का सफर होगा आसान, जेपी सेतु से कंगन घाट तक होगा मरीन ड्राइव का विस्तार, सीएम नीतीश कुमार आज नए पथ का करेंगे लोकार्पण। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट, ठनका से सावधानी बरतने की अपील। रूस की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे ऑस्ट्रिया, वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर ने स्वागत किया, आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। Lines presented by Strong मतलब मैथन स्टील।